लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल माई ग्रुप क्लासेस एमजीसी। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर या कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर कैसे होता है, तो हम उसको समझते हैं। नेफ्रॉन, ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा पहले से ड्रॉ कर लिया। तो टॉपिक एक्चुअली क्या है हमारा, ये कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन, आप लोगों को बताऊं मैं कि नेफ्रॉन्स आर, या नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है किडनी के लिए जो काम कर रहा है, जो किडनी में हम लोग फिल्ट्रेशन की बात करते हैं किडनीज में, कि वो ब्लड को फिल्टर करती है, तो उसके अंदर एक्चुअली है क्या फंक्शनिंग, कौन कर रहा है वो फंक्शनिंग करता है ये नेफ्रॉन। तो जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं यहाँ पे हमने वो ड्रॉ किए हैं, जे लाइक ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हैनले, एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेजी ट्यूबल एंड द डिस्टल कॉन्वोलेजी ट्यूबल, राइट। सो और लास्ट में हमारा है कलेक्टिंग डक्ट। तो होता क्या है यहाँ पे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये लाखों नेफ्रॉन्स जो है हमारी दोनों किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, राइट। सो ब्लड में से हमारे जितने भी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट्स हैं उनको रिमूव करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर करना, और जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर, जैसे हमारा अमीनो एसिड्स हो गए, वेरियस प्रोटीन्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, आयंस हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, वाटर हो गया, उन सबको बॉडी के अंदर वापिस भेजना। तो ये प्रोसेस किस तरह से होती है और कितने स्टेप्स में होती है, बिल्कुल इसको सिंपल स्टेप में समझेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होती है। तो जानते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे रीनल आर्टरी का, ये रीनल आर्टरी क्या करती है, दैट ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड, ये डर्टी ब्लड को लेकर आती है रीनल आर्टरी। ये क्या लेकर आई, मान लीजिए ये जो है ये लेकर आई है डर्टी ब्लड को। अब डर्टी ब्लड जो है वो कहां चला गया, यहां से इस रीनल आर्टरी के थ्रू। देखिए रीनल का मतलब होता है किडनी, तो यहां किडनी के पास ये जो प्रेजेंट है आर्टरी जो लेकर आ रही है डर्टी ब्लड को, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। अब इस रीनल आर्टरी से गया अंदर, दिस इज अ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को समझिए छन्नी की तरह। तो उस छन्नी के अंदर क्या हो रहा है, सारा का सारा ब्लड आ गया। अब आपके ब्लड के अंदर क्या क्या है, वेस्ट भी है, आपके ब्लड के अंदर एसेंशियल सब्सटेंसेस भी है, और सारी चीजें हैं। तो वो किसके अंदर आ गया, इस ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस इज लाइक अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है, ये बहुत एक गुच्छा है कैपिलरीज का समझिए। और यहां से क्या होगा, इस नीचे, तो दैट इज अ बॉमन्स कैप्सूल विच इज अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, तो इस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलस, इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज, राइट, टफ ऑफ कैपिलरी, तो इनके अंदर ये आ गया। अब यहां से क्या होगा, यहां से अब इसके अंदर क्या क्या आया, यहां के यहां पे नीचे क्या क्या गया, यहां पे सारी चीजें जो है वो फिल्टर हो गई। अब सारी चीजों में क्या, चाहे वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो हमारा, या फिर वो हमारे अमीनो एसिड्स हो बॉडी के, राइट। अब चाहे वो बॉडी के जो जितने भी अंदर हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो हो, जितने भी जो आयंस प्रेजेंट हैं वो हो, और या फिर मैं कहूं कि जितने भी जो बाइकार्बोनेट्स आयंस हैं या ग्लूकोज है, वो सारी चीजें जो है वो फिल्टर हो गई अभी। अब यहां पे क्या होगा, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, प्राइमरी यूरिन बनना स्टार्ट होगा, ये उसको बनाना स्टार्ट करेगी, राइट। तो अब प्राइमरी यूरिन से बनते 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 नीचे जाएगा लूप ऑफ हैनले के अंदर, जहां पर डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहां एक कमाल की बात होती है कि यहां होगा एक फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं, या मैं कहूं कि रीअब्सॉर्प्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ये सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस जो है यहां पर होगी। इसका मतलब, सेलेक्टिव का मतलब, यहां सेलेक्ट किया जाएगा चीजों को फिल्टर करने के लिए। अब आपके ब्लड के अंदर देखिए हमें क्या बाहर करना है, हमें यूरिया को बाहर करना है, राइट। जो यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ, जो यूरिया यहां पर आ रहा है, हमें उसको बाहर करना है यहां से। किसकी फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में हम इसे बाहर करेंगे। तो यहां सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा किस चीज के लिए, कि जितने भी जो यहां पर ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे बॉडी के अंदर वापस चले जाए हमारे। और जो यूरिन, जो यूरिया है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे, वो बॉडी से बाहर चला जाए। देखिए आपकी बॉडी में दो मेजर वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है हमारी बॉडी का यूरिन।
तो इन दोनों को ही बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, जबकि जो यूरिन है, जो यूरिन की फॉर्म में जो यूरिया हमारा जो बॉडी से निकलता है यूरिन की फॉर्म में, उसको ये जो किडनीज है हमारे, और किडनीज के अंदर जो उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है वो उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है। तो यहां से क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा। जितने भी जो आपकी बॉडी के ये जो अमीनो एसिड्स हैं, राइट, ये जो ग्लूकोज है, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आयंस हैं, इस एकोपच अमाउंट में जो सॉल्ट है वो वापस बॉडी के अंदर जाएंगे, और जितना भी ये जो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो यूरिया है, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आके इस डीसीटी के अंदर, इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ये रिसीव करेगा इस यूरिन को। ये डीसीटी जो है ये रिसीव करता है इसको, ये रिसीव करेगा यूरिन को। अब यहां यूरिन बन गया है पूरी तरह, और यहां से बनकर क्या होगा, ये चला जाएगा इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और इस कलेक्टिंग डक्ट का जो कनेक्शन होता है वो आगे जाकर किससे होता है, यूरेटर्स के साथ, और यूरेटर्स जाएंगे कहां पर, नीचे ब्लैडर के पास, और ब्लैडर में कि एक मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में और वो उसको एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट, तो एक मैसेज भेजेगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको मैं तीन स्टेप में अगर बताना चाहूं तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर वन स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट। नंबर टू पे हमने क्या देखा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड द नंबर थ्री इज कलेक्शन होना, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इसका कलेक्ट करना हमें, जिसको हम बोलते हैं, या फिर मैं कहूं कि सिक्रीशन होना भी बोल सकते हैं इसको। सो द नंबर थर्ड इज सिक्रीशन। तो इन तीन स्टेप्स के अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को आप लोग एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। तो इसका नाम आप ये भी बोल सकते हो ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, किसका, जो हम बोल रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को। तो तीन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, जिसके अंदर जितने भी जो ब्लड के अंदर हमारी चीजें हैं वो सारी नीचे बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, इस पीसीटी के अंदर जो है वो नीचे आ जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड कैपिलरी। ये सारी जो है रेड कलर से हमने ड्रॉ की है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, जिसको मैंने बोला अभी आपको कि ग्लोमेरुलर्स है एक तरीके की, तो दिस इज कॉल्ड द ब्लड कैपिलरीज। इसी तरीके से यहां जो है ये फॉर्मेशन होता है इन ब्लड कैपिलरीज का, और यहाँ नीचे दिस इज अ लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, जिसके अंदर जितने भी जो सब्सटेंसेस थे वो सारे आ गए नीचे, चाहे वो यूरिया हो, अमीनो एसिड्स हो, सॉल्ट हो, आयंस हो, सब फिल्टर हो गए, और उसके बाद वो बॉमन कैप्सूल से होते हुए यहां पर लूप ऑफ हेनले के अंदर आ गए, जहां पे हम इसको बोलते हैं कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन होता है, और उसके बाद यहाँ डीसीटी में इस हाईली कॉइल्ड नेटवर्क के अंदर ये रिसीव करती है यूरिन को, और यूरिन जो है यहां से क्या होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के, वो रिनल वेन के थ्रू जो है बॉडी में वापस हमारे चले जाते हैं, और वो वापस जाके फिर वो फिल्ट्रेशन का काम चलता रहता है। अगेन एंड अगेन ये जो प्रोसेस है हमारी, ये लाखों नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है वो चलती रहती है बॉडी के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट एंड द बेसिक कंसेप्ट फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट, और इसके ऊपर इस बार बोर्ड में क्वेश्चन भी फॉर्म हुआ था 2020 में क्लास 10th में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो आपको ये तीन स्टेप्स याद रखने हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर टू इज अ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एंड नंबर थ्री इज सिक्रेशन। आई होप कि आपको, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में, भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में बनाने की कोशिश की है आपके लिए, तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं, एंड आई होप कि आपको फॉर्मेशन ऑफ यूरिन समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।